छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकसित करने की व्यवस्था हम सबको करने का अधिकार होना चाहिए। और इसी दिशा से दीपोत्सव अयोध्या में, तो होली बरसाना में, देव दीपावली काशी में, तो रामायण मेला चित्रकूट में, कुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही होगा और उसमें हम लोग जाएंगे। हमें गौरव की अनुभूति है अपनी परंपरा पर, अपनी विरासत पर। इसके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व तो हमारे ऊपर है, हम इसको हर प्रकार से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्या वजह इससे पहले से मथुरा अपेक्षित रहा? क्षेत्र में भगवान की जन्म भूमि, उनकी लीला भूमि, जो देश की आस्था के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल हम सब के लिए हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे कल, मैं रात्रि को आया हूँ यहाँ पर, अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे जुड़ने का, देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज प्रातः मेरे पास समय था तो यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने और साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए भी मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो उपकरण लगे हुए हैं काफ़ी पुराने हैं, उससे असुविधा हो रही थी। CRPF जो सुरक्षा में लगी हुई है, उनकी बैरक पुराने पड़ चुके हैं। CC कैमरे जो लगे हुए हैं, कोई ड्रोन नहीं है। जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं, उन श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि को जो अनावश्यक रूप से तनाव पैदा कर सकती हो या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हो, उन पर प्रभावी अंकुश के लिए भी आज यहाँ पर एक बैठक ली मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया, आज उस भूमि का दर्शन भी किया हूँ मैंने। मैं कल से यहाँ पर उनकी लीला भूमि का दर्शन कर रहा हूँ और आज यहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए और कुछ क्या कुछ हो सकता है, तमाम योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में, और अन्य प्रकार से विकास के लिए भी जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। योगी जी, एक अल्पसंख्यक समाज ये कह रहा है कि योगी जी ने दिवाली अयोध्या में मनाई, होली ब्रज में मना रहे, ईद कहाँ मनाएंगे? देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और हर एक को अपनी अपनी आस्था को और अपनी अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। दूसरा, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक आ सकते हों, श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान मिलता हो, इसलिए 11 महीने के अंदर हम लोगों ने न किसी को ईद मनाने के लिए रोका है, न किसी को क्रिसमस मनाने से रोका है। हर एक अपनी अपनी आस्था को अपने अनुसार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के अंदर हर नागरिक को है, तो मुझे लगता है वो अधिकार मुझे भी है। एक दूसरा, आस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ पर्यटन के रूप में भी अपने इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकसित करने की व्यवस्था हम सबको करने का अधिकार होना चाहिए। और इसी दिशा से दीपोत्सव अयोध्या में, तो होली बरसाना में, देव दीपावली काशी में, तो रामायण मेला चित्रकूट में, कुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही होगा और उसमें हम लोग जाएंगे। हमें गौरव की अनुभूति है अपनी परंपरा पर, अपनी विरासत पर। इसके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व तो हमारे ऊपर है, हम इसको हर प्रकार से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्या वजह इससे पहले से मथुरा अपेक्षित रहा?